अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ककम्बर कूलर ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी, यानी खीरे का जूस। बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा खीरे का जूस है और बहुत मज़े का होता है। अभी खीरे का सीज़न है, खीरे आपको मार्केट में इजीली अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगे, तो आप इनको लेकर आएँ और घर में जूस बनाएं। गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस गर्मी में ये जूस बनाएं ठंडा ठंडा, और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत हेल्दी जूस है। खीरे का जूस बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। खीरे लिए हैं मैंने 2 दरमियाने साइज के, इन्हें पील करके चॉप कर लिया है। ये देखें, इस तरह के सीजनल खीरे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, बहुत अच्छी प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। खीरे भी सस्ते हैं तो आप लाएं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने इनको पील करके काटा है। ये खीरे मैंने आपको वैसे दिखाने के लिए रखे हैं। मैंने मीडियम साइज के खीरे डाले हैं, ये ज़्यादा मोटे हैं, ये देख लें। ठंडा पानी लिया है मैंने 2 कप, आइस क्यूब्स लिए हैं मैंने हस्बे ज़रूरत, शुगर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काला नमक लिया है मैंने ½ टीस्पून, लेमन जूस लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून, और गार्निशिंग के लिए मैंने लीमू की स्लाइसेस लिए हैं हस्बे ज़रूरत, और ये थोड़े से मैंने पुदीने के प्यारे प्यारे पत्ते लिए हैं, ये भी मैंने गार्निशिंग के लिए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे खीरे का जूस बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले खीरे का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक ब्लेंडर ले लें और इसमें खीरे डाल देने हैं। शुगर डाल दें, काला नमक डाल दें, पुदीने के पत्ते डाल दें, लेमन जूस डाल दें और ठंडा पानी डाल देना है। अब इसे कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये ब्लेंड हो गया है, अब इसे निकाल लेना है। अब सर्विंग ग्लासेस ले लें और इनमें आइस क्यूब्स डाल देने हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें, जूस डाल दें इनमें। अब साइड पे लेमन का स्लाइस लगा दें, इस तरह से खीरे का स्लाइस लगा दें और इस तरह से पुदीने की स्टेम डाल दें इसके अंदर। ये देखें, जूस को मैंने सर्विंग ग्लासेस में निकाल दिया है। मैंने आपको सर्व करने का तरीका भी बता दिया है। ये देखें, बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी और बहुत ही मज़े का खीरे का जूस तैयार है। इस गर्मियों में आप इसको ट्राई करें, भी खीरे का सीज़न है, मज़े मज़े का जूस बनाकर पिएँ। और अगर आपको ये जूस अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बनी बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी अच्छी अच्छी इस तरह की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक्स कमेंट में दें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।